Hello everyone, welcome to English Grammar Classes with Mayank sir. Dear one, this video is for Standard 4 and we are discussing a chapter pronouns. Dear one, in the last class, again in the first class of this chapter, I explained the definition and the examples to show what actually pronoun is. In this class, I'm gonna explain its first type of pronoun, that is personal pronoun. Personal pronoun is a pronoun that refers to the names of person or things in general respect. ठीक है? वैसे pronoun जो personal लोगों के बारे में, personal चीजों के बारे में बात की जाती है, nouns के बारे में, क्या क्या कोई personal pronouns. इसके बारे में लिखा हुआ देख सकते हैं हम लोग. Pronoun in the above sentences stand for the name of person or things. Such pronouns are called personal pronouns. वैसे pronouns जो चीजों के बारे में, नेम ऑफ persons और थिंग्स, आदमी के नाम के बारे में या चीजों के बारे में यूज किए जाते हैं, उनके बदले यूज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सन के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड यूज करते हैं वो दिया हुआ देखिए. नेक्स्ट, अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पीकिंग इज सेड टू बी द फर्स्ट पर्सन. एग्जाम्पल में आई, मी, वी और अस. नेक्स्ट इज अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू is said to be the second person, जैसे you. And a person about whom something is said is third person. इसको हम लोगों को ऐसे समझना है कि वैसे pronouns जो बोलते हैं वो first person कहलाते हैं. The person who speaks, जो बोलता है वो first person है. The person who listens, या जिनसे बात की जाती है, second person. And a person about whom something is said is your third person. फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल आई होता है और इन प्लूरल केस वी यूज वी. फॉर सेकेंड पर्सन इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ केसेस वी यूज द प्रोनाउन यू. एंड इन थर्ड पर्सन ही शी इट इज यूज एज सिंगुलर एंड दे इज यूज एज प्लूरल. यू गाइज कैन सी दिस इन योर पिक्चर्स गिवन द बुक, प्रोनाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल. यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आमने सामने, जिसमें कि प्रोनाउंस के सिंगुलर एंड प्लूरल पोल्स को दिखाया गया है. फर्स्ट पर्सन आई मैंने अभी बताया, जो बोलता है, जैसे लड़की बोल रही है आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. लड़की एक है इसलिए इसमें सिंगुलर में हम लोगों ने आई का यूज किया है. लेकिन जब हम लोग बोलते हैं उसके सामने वाले सेंटेंस को देख के, वी आर गर्ल्स, हम लोग लड़कियां हैं. यहाँ पे एक से ज्यादा लड़कियां हैं और वे सब बोल रही हैं कि हम लोग लड़कियां हैं, एक से ज्यादा है, प्लूरल है. तो हम लोगों ने आई की जगह पे किसका यूज किया फर्स्ट पर्सन में, वी का यूज किया. सेम सेंटेंस में आते हैं सेकंड पर्सन, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो. यू सिंगुलर के रूप में हमने यूज किया है चूंकि एक लड़का है. नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर बॉयज, तुम लोग लड़के हो. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यू सिंगुलर में भी है और प्लूरल में भी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि दोनों में यू का ही यूज करते हैं सेकंड पर्सन में. अब हम लोग आते हैं थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन में मैंने बताया था ही शी इट का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर में. देखिए, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ चेयर. और वही जब हम लोग प्लूरल केस में आते हैं तो वेदर इट इज एनिमल और ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स या कि ऑब्जेक्ट्स, हम लोग दे का यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं. दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं. दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां है. दिस इज द प्रोनाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोना एक्सप्लेन अ फ्रेश न्यू चैप्टर. टिल देन थैंक यू.